मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज का व्लॉग होने वाला है तीज स्पेशल व्लॉग, और मुझे मालूम है कि आप लोग सभी मेरे तीज के व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को तीज की मुबारकबाद दे देती हूँ। आप मेरी सारी YouTube फैमिली को तीज की बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप लोगों का तीज का त्यौहार कैसा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल ये जो कतली बनाई थी वो बहुत अच्छे से जम गई है और इसे इस टाइम हम लोग कट कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ प्रिपरेशन दिखा देती हूँ कि तीज के मौके पर घर में क्या क्या कुक हो रहा है। तो तीज के मौके पर मैंने जो खाना बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं, आप देख ही रहे हो कि मैं कुछ कोफ्ते तैयार कर रही हूँ, और ये कोफ्ते मैं अप्पम मेकर में तैयार कर रही हूँ क्योंकि कम ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आज की जो सबसे स्पेशल डिश है ना, जो कि हरियाली तीज से रिलेटेड मैंने बनाई है, वो है मलाई कोफ्ता इन पालक ग्रेवी। तो ये जो मलाई कोफ्ते हैं ये मैंने यहाँ पर रेडी कर दिए हैं, और पालक की ग्रेवी भी अभी थोड़ी देर में रेडी करूँगी। साथ साथ पूरी का आटा भी लगा लिया है। और त्योहारों का तो असली मज़ा ना खाना पीना मिलना जुलना घूमना फिरना इसी में ही आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को खाना शेयर कर रही हूँ, उसके बाद अपना ड्रेसअप भी दिखाऊँगी कि मैंने आज कौन सी साड़ी वियर करी है। और मुझे बहुत बहुत सारे सजेशंस आए हैं आप लोगों के, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जीरा और हींग डालकर सबसे पहले मैं पालक की ग्रेवी तैयार करने वाली हूँ। आप लोगों ने देखा कि मैं पालक की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, मलाई कोफ्ते उसमें डिप करूंगी फिर, और दूसरी तरफ मैं मटर पनीर भी रेडी कर रही हूँ। तो मटर पनीर की तैयारी, पालक कोफ्ते की तैयारी, सब कुछ साथ साथ चल रही है, और बहुत कुछ इजी हो जाता है जब आप फेस्टिवल की जो तैयारी है वो थोड़ा सा पहले करके रख लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने अनियन पेस्ट और टमाटो पेस्ट बनाकर पहले से ही फ्रीज में सेव किया हुआ था, तो यहाँ पर मेरा मटर पनीर बहुत ही जल्दी तैयार हो गया था, बिल्कुल भी समय नहीं लगा था। तो इस तरीके से फेस्टिवल पर आप लोग भी अपनी तैयारी पहले से करके रख लीजिए, जिससे कि फेस्टिवल का मज़ा मेहमानों के साथ या अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ले पाएँ। मेरी YouTube फैमिली में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद करते हैं, तो वो आई एम श्योर आज भी देखना चाहते होंगे कि मैंने मटर पनीर कैसे बनाया या मलाई कोफ्ता इन पालक ग्रेवी में कैसे बनाया। तो मैं आज यहाँ पर फुल टू रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन मैं इनके सभी के जो मैंने ये डिशेस बनाई हैं आज, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आपको मेरी बनाई हुई सारी रेसिपीज़ के लिंक वहीं पर मिल जाएंगे, तो जो भी अगर आपको बनाना है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते ही देखते हमारा मटर पनीर भी बनकर तैयार हो गया है, और उधर पालक की ग्रेवी भी अच्छे से भुन चुकी है। तो अभी तो मैंने सिर्फ पालक की ग्रेवी बनाकर अलग रख ली है और कोफ्ते बनाकर अलग रख लिए हैं, जब मैं सर्व करूंगी तब कोफ्ते पालक ग्रेवी में मिक्स कर दूंगी। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो एंड हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी तीज एवरीवन। तो मेरी YouTube फैमिली को तीज की बहुत बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी ये तीज बहुत मंगलमय रहे आपके लिए। अगर आपने फास्ट रखा है तो हैप्पी फास्टिंग, लेकिन हमारे यहाँ फास्ट नहीं रखा जाता तीज का, और फेस्टिवल पर जैसे पूजा होती है भगवान जी की, तो इसमें शंकर भगवान और माँ पार्वती जी की पूजा होती है। मैं वही करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखा दूं कि आज मैंने कौन सी साड़ी पहनी है। और इस साड़ी को सबसे ज्यादा वोट आए थे कल के ब्लॉग में। मैंने आप लोगों से पूछा था ना मैं कौन सी साड़ी पहनूं, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन बताइए, तो सबसे ज्यादा लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को पसंद किया। और सेकंड जो पसंद किया है वो है ग्रीन विद रेड, तो ग्रीन और रेड वाला कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया था। मैं एक बार को सोची थी कि मैं ग्रीन और रेड पहनूं, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली ने क्या पसंद किया है, तो यूट्यूब फैमिली ने पसंद किया था ग्रीन और पिंक। तो आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे सजेशन जो मुझे आए हैं ना, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। मैं मम्मी का फुल लुक दे दूंगी, और मैं भी आज कुछ सब बोलेंगे तो ग्रीन है नहीं तो ब्लू है, अभी कैमरा पे ब्लू लग रहा है, थोड़ा सा ग्रीन है, आई डोंट नो, डिफरेंट लाइट में ना पीकॉक ग्रीन है, ये एक्चुअली पीकॉक टाइप है, पीकॉक ग्रीन है। तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, तो बस अब मैं पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले,
और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तुम्हारे इयर रिंग्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैच कर रहे ना मेरे को? हाँ। थैंक यू गाइज इतने सारे सजेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन में, जो मैंने कमेंट पिन किया था उसके नीचे आप लोगों के भर भर के कमेंट आए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और अपने सजेशन देने के लिए। लव यू गाइज, लव यू। और ये है मेरा आज का मेकअप, जो सिंपल सा ही रखा है मैंने। आई मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं किया है आज। ये वाले इयर रिंग्स पहने हैं और पिंक कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई है। इसके साथ ये वाली बैंगल्स पहनी है अपने कलेक्शन में से निकाल कर। और मेहंदी, हाँ आप लोग आई एम श्योर मेरी मेहंदी ज़रूर देखना चाहते होंगे कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है इस बार। तो इस बार मैंने लगाई है लॉकडाउन वाली मेहंदी। देखना चाहेंगे ये लॉकडाउन की मेहंदी कैसी है? ये प्रशांत ने कल रात मेरे लॉकडाउन की मेहंदी लगाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकडाउन और यहाँ पर है जंजीरें जिनमें हम सब बंधे हुए हैं और यहाँ पर है एक लॉक। ये प्रशांत ने कल मेरे लगाई और पहले तो मैं सोचती रह गई ये क्या कर रहे हो आप, तो बोलते हैं रीमा ये लॉकडाउन की मेहंदी है और लॉकडाउन की मेहंदी ऐसी ही होनी चाहिए। पता नहीं कुछ भी उन्होंने मेरी ये मेहंदी लगा दी है। फिलहाल लॉकडाउन की मेहंदी आप लोग भी देख लीजिए। मैं बहुत हंसी से देख देख के सच्ची में। और यहाँ पर एक छोटा सा लॉक भी बनाया है उन्होंने। अपनी सारी कसर उन्होंने मुझ पर पूरी कर ली है क्योंकि इस बार मैं मेहंदी लगवाने बाहर तो जा नहीं पाई। तो इस बार उन्होंने सोचा कि तुम ना लाइफ टाइम याद रखो कि लॉकडाउन की मेहंदी कैसी होती है, इसीलिए मैंने ये ऐसी मेहंदी लगाई है। जब अगली बार जब टी जाएगी तो तुम इस मेहंदी को देखकर याद कर पाओगी कि पिछले साल तुम्हारी मेहंदी कैसी लगी थी। आप लोग बताना इस बार। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब मैं करने वाली हूँ कुकिंग। तो जोरों शोरों से कुकिंग की तैयारी शुरू होने वाली है अभी। तो अभी फिलहाल सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ ये वाले मसाले वाले आलू। इनके लिए मैंने ये वाले मसाले निकाले हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और फिर मैं इसमें डालूंगी। और ये काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, पूरी के साथ तो मज़ा आ जाता है खाने में। तो इन्हें ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्सी में पीसना है और उसके बाद इसके साथ इन्हें भूनना है। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें धनिया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 10 से 12 काली मिर्च है और 1 टेबलस्पून के करीब जीरा है। यहाँ पर जो मैं मसालेदार चटपटे आलू बनाने वाली हूँ ना गाइस, ये पूरी के साथ बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे बाय द वे इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप आम का अचार या नींबू के अचार के साथ खाओ, बहुत यम्मी लगते हैं पूरी के साथ। जैसे पूरी के साथ काशीफल या गोभी अच्छा लगता है, ऐसे ये आलू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभार मैं पूरी के साथ काशीफल बनाती हूँ और कभी कभार ये वाले आलू, और मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये छोटे वाले आलू हैं जो मैंने बिग बास्केट से मंगाए थे और वैसे हर जगह तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इस टाइप की जगहों पर आप चेक कर सकते हो। इसमें जो मसाले पड़ते हैं उनका फ्लेवर और जो कोटेड होते हैं ना एक एक आलू, वो एकदम ऐसा लगता है जैसे मुँह में ना घुल जाने वाले। इनको अच्छे से ना फ्राई करना होता है और वो जो मसाले का जो फ्लेवर आता है वो दिल खुश कर देता है सच्ची में। बाय द वे अगर आपको छोटे आलू नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़े आलू को भी 4 पीस में कट करके इस तरीके से बना सकते हो। और मैं बता दूं ये वाला आलू आप ज़रूर ट्राई करना आने वाले फेस्टिवल पर, जैसे कि राखी आने वाला है तो राखी पर बनाओ और अपने मेहमानों को खिलाओ, खुद खाओ, फैमिली को खिलाओ। स्पेशली इसके साथ पूरी ज़रूर बनाइएगा और पक्का मुझे यकीन है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अभी बनाने वाली हूँ पूरियाँ लंच के लिए। बस कढ़ाई गर्म हो रही है, थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए फिर मैं पूरियाँ तल कर रखूँगी। और आज पता है सरप्राइज देने कोई आ रहा है, मैं मिलवाती हूँ आपको थोड़ी देर में।
और हाँ, मैंने आप लोगों को लंच में बताया क्या क्या बनाया मैंने आज तीज वाले दिन। तीज है तो खास दिन है, त्योहार है, तो फेस्टिवल पर तो आप लोग हमेशा देखते ही हो मैं क्या क्या बनाती हूँ। इस बार थोड़ा डिफरेंट करा है, थोड़ा सा मतलब इस बार मैंने उड़द की दाल की कचौड़ी नहीं बना रही हूँ। तीज पर हर साल बनाती हूँ, लेकिन इस बार उड़द की दाल की कचौड़ी नहीं बना रही इस बार, क्योंकि मैंने मूंग और उड़द की दाल के बड़े बनाए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो कचौड़ी रहने देते हैं। और फिर मैंने आज जो बनाया है ना, आज मैंने बनाया मलाई कोफ्ता इन पालक ग्रेवी, मटर पनीर और ये मसाले वाले आलू, मसालेदार चटपटे आलू। जो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं वो लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कैसे बनाया अपना तीज का फेस्टिवल। मेरा तो आज आप देख ही नहीं वाले हो, ऑलरेडी लोगों ने शायद नोटिस कर ही लिया होगा, किसी और ने भी मुझे मैच करते हुए ग्रीन पहना है। इधर तो आ जाओ, अपना आउटफिट दिखा दो, सिर्फ पीठ दिख रही है। तो ओके, आज हम तो प्रशांत ने भी आज ग्रीन पहना है। हेलो, ग्रीन ब्लू ग्रीन ग्रीन, थोड़ा सा इधर आओगे। तो आज प्रशांत ने भी ग्रीन कुर्ता पहना है और नया कुर्ता है, स्पेशली तीज के लिए मंगाया था इन्होंने। देखिए कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग भी कलर के अकॉर्डिंग करने लगे हैं, ये से देख कर के रीमा कितना मैचिंग है ना रीमा के साथ। खरबूजे के संग रह के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, तो इन्होंने रंग बदल लिया अपना। तेल गरम नहीं हुआ अभी। हर साल तीज पर यहाँ पर बहुत सारे मेले ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर आप उनमें जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, झूला झूल सकते हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी। नमस्ते जी, अजी तैयार हो गए किसी लोग का है क्यों तुम ऑफिस से थोड़ी आ रही हो? आए थे थोड़ी देर बाद, बात करती हूं आज आ गए हैं। ये वाली तीज मत बोलो, बस हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी खिड़की पे खड़े हो जाइए, हम अपनी खिड़की पे खड़े होकर बात करेंगे। पानी कैसे, सबको पानी पिला दो पहले। I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you? तो गाइस सीधी आई है, पापा आए हैं, जिया जी आए हैं और क्या कहते हैं सब लोग आए हैं। मैंने अभी मिलवाया भी था। आराम से हम लोग आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं सबके लिए लंच लगा देती हूँ क्योंकि 3:30 से थोड़ा लेट हो गया है। तो मेरी तरफ से सब लोग आओगे। हाँ, तुम्हें भी, तुमको भी। My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire.
तीज के लिए बनाई है क्योंकि ग्रीन कलर की है, क्योंकि ये ग्रीन कलर की है, ग्रीन चीज। हाँ, स्पेशली मैंने ये इसी वजह से बनाई क्योंकि आज है तीज और मैं तीज पर कुछ ग्रीन कलर का बनाना चाहती थी। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. मुझे तो बहुत पसंद है, ट्रायल पे बनाया था आज। अच्छा, तो बात ही मैं खाऊंगी, मैं कुछ भी खा लूँ। जाला बन गया इसमें, जाला बना, वो खाओ गया, देखो ये सब जाला, ये देखो। अच्छा, ओ वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना। मुझे भी बताना, मुझसे काफी सारे लोग घेवर मांग रहे थे कि दीदी घेवर बनाइए, घेवर बनाइए। तो मेरी दीदी ने बना दिया या मैंने बना दिया, बात एक ही है। तो अब मेरे घर तो घेवर आ चुका है। क्या बात है जी, आज भी ग्रीन होकर आए हैं दीदी, दीदी के साथ मैच करते हुए। तुम दोनों डार्क में, हमने लाइट, आप लोग सी ग्रीन हो, हम डार्क ग्रीन है। हां, लेकिन बाद में हमें लोग वहां बैठूंगी बहन के पास। या आओ, नहीं मैं तो नहीं। अरे यार, दिल खराब। आलू वाली मसाले की पूरी के स्पेशल आलू है। चलिए काजू कतली खाइए सबसे पहली बार। ऐसी बनी पहली बार बनाई है मैंने काजू कतली, पहली बार फर्स्ट टाइम बनाई है। आ जाओ भैया, बहुत टेस्टी बनाई, काजू का पूरा भरपूर टेस्ट लगा है। दो इंग्रेडिएंट से बनती है, एक काजू और एक शुगर, उसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट पड़ता ही नहीं। जो प्योर बनती है, ये प्योर ही है। मैं बोलता करी प्योर बनती है, प्योर बनाई है तुमने। बाकी लोग खोआ मिला देते हैं, खोआ या मैदा डाल के, मतलब तो बहुत ही टेस्टी है। अब बस खा लो। अब मलाई ये कैसी बनी? बस ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई। देखो ये बर्फी ना रीमा की, सब लोग एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनी है और खीर भी बहुत अच्छी बनी है। ये साड़ी ना काफी हल्की है, मैं आज सुबह से इसमें काम कर रही हूँ दीदी, मुझे मतलब आराम रहा काम करने में। ये पहले चलती थी इस टाइप की साड़ी ना, ये वाली मैं पहनती तो शायद मैं संभाल नहीं पाती। एक्चुअल में ना ये साड़ियाँ, पहले तुम्हें याद होगा ये क्रेप भी है, जैसे पहले बल्कि प्योर क्रेप में भी चलती थी साड़ियाँ। लेकिन ये लाइट साड़ी है बाय द वे, दीदी ने जो पहनी हुई है उसकी भी लाइट साड़ी है। तुम्हारी साड़ी जाली है, कोटा जाली, गर्मियों के पर्पस, कलर भी लाइट है, पिस्ता कलर। तो दीदी बोल रही थी दिखाना तुम वो साड़ियाँ जो तुमने मंगाई हैं, पहनने के बाद लुक आ रहा था, लेकिन देखने के बाद सुंदर लग रही है, ये अच्छी लग रही पहनने का। हाँ, ये तो अच्छी लगी रही है। और बताइए क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? लॉकडाउन चल रहा है। तुम तो ऑफिस जाते हो डेली, तुम्हारी लाइफ में कोई लॉकडाउन थोड़ी है? देखो परेशानी सारी कि ऑफिस जाना पड़ता है। और वो तो कमाल की बात तो ये है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन नहीं होता। नहीं, कोरोना करोना तो अपने घर चला जाता है। सैटरडे संडे लॉकडाउन कर रखा है और मंडे टू फ्राइडे ऑफिस वालों के लिए खोल रखा है। आज ही मैं इवनिंग व्रत डरते, तो आज सैटरडे थोड़ी है जो तू डरते। नहीं, तुम्हारे घर आज मैं निकली नहीं हूँ, पहली बार तुम्हारे घर के लिए निकली हूँ ऑफिस के अलावा। तो ऑफिस जा रही है बहुत मान काम कर रही है। हर बार तीज पे हम लोग क्या क्या करते थे, कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे, या तो कोई मेला या कोई फंक्शन अटेंड कर जाते थे। हमारे पार्क में झूला पड़े थे और पड़े हुए नहीं झूला पड़ा। लेकिन दीदी आप पता है बहुत डर है ना झूले को सैनिटाइज, ये कितने लोग बैठे होंगे कितने नहीं, कोई नहीं झूल रहा। हम और तुम झूल लेते आज सैनिटाइज करके, पानी से धो लेते ना कपड़े से पूछ लेते। लेकिन मुझे फिर भी पता है अकेले रहने से बेटर लग रही है ये तीज, कम से कम तुम लोग आ गए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई त्योहार है, वरना मैं प्रशांत को खाना खिलाती
और बस कशिश को खाना खिलाती और बस बर्तन धोती और लेट जाती। मैं ऑफिस में खाना खाती इसलिए त्योहार त्योहार सा लग रहा है कम से कम। तुम तो आ जाओ, यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। जिया जी और दीदी ने एक जैसे कपड़े पहने तो उन्होंने सोचा कि आज हम लोग फोटो खिंचवाते हैं। खड़े हो जाओ साथ में। गाइस अभी बज रहा है शाम के 7:30 और ये मैं सबके लिए बना रही हूँ शाम की चाय। जाली वाला बना है हाँ, और जो नीचे से थोड़ा ऊपर खोआ होता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट। और सबसे बढ़िया ये है मीठा बिल्कुल एक्यूरेट। ज्यादा मीठा नहीं, कम ज्यादा नहीं कह सकते। सही कह रहे हो, मैंने खा के देखा। ले लो। मलाई भी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे वो लगा के देते हैं ना। ये मैं तो सोच रहा सुबह ये कहाँ से लिया, सुबह सुबह थोड़ा मैंने वहाँ देखा पूजा खा लिया। ओके गाइज, फाइनली मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ और आज का दिन सुबह से शाम कब हुई मालूम नहीं पड़ा। सुपर बिजी डे था, लेकिन बहुत खुशी हुई कि पापा और दीदी घर पर आए। उनको देखकर मैं सच में बहुत खुश हो गई। फेस्टिवल पे ना क्या होता है कि रौनक तभी आती है जब एक आध किसी से मिलो, तब मजा आता है, लगता है कि हाँ कि फेस्टिवल में कुछ है। वरना तो घर पर हमेशा ऐसे ही हम लोग करते हैं, खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं और बाकी अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन जब कोई घर पे आता है ना, भले ही ब्लॉग में कहते हैं पता नहीं कितना चेंज दिखता है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन पर्सनली जो हम फील कर पाते हैं ना, वो जो वाइब होती है वो अलग ही होती है। इस बार तीज पर कहीं घूमना फिरना तो नहीं हो पाया, जैसे कि हर साल आप लोग मेरे तीज के ब्लॉग देखते ही हो, तो हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, किसी ना किसी कहते हैं फेस्ट में निकल जाते हैं, मेले यहाँ पर लगते हैं तीज के, या फिर कोई फंक्शन कर रहा है अपना जैसे सोसाइटी में। लेकिन इस बार किसी भी सोसाइटी में कोई भी तीज का फंक्शन नहीं हुआ है और ना ही कोई मेला वगैरह लगा है तीज का। तो जो भी कहते हैं स्पेंड किया है दिन हम लोगों ने घर पर ही किया है। तो आज सबको काजू कतली बहुत पसंद आई। हाँ बिल्कुल, काजू कतली लगनी थी तो मतलब टेस्ट करनी चाहिए वैसी टेस्ट। तो काजू से बनी हुई है तो काजू कतली ही लगेंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे मार्केट से लेकर आए हो। सिल्वर वाली हाँ, बट उसके अलावा सिल्वर फॉयल है ना, अगर वो भी लगा दोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मार्केट से अभी खरीद के लाए हो। पापा को खास तौर से आलू, मसालेदार चटपटे आलू बहुत पसंद आए। पापा कहते हैं ये तो पूरी के साथ बहुत मजेदार लग रहे हैं, इसके साथ नींबू का अचार ले लो और पूरी और ये वाले आलू खाओ, मतलब सफर में लेके जाओ, बड़ा मजा आएगा खाने में। घेवर बड़ा अच्छा बनाया दीदी ने भी, घेवर बहुत टेस्टी बनाया सच्ची में। आप लोगों को मैं काश टेस्ट करा पाती, लेकिन घेवर सच में बहुत मेहनती वाली है। हाँ मार्केट जैसा बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। कशिश ने आज कॉन्टेक्ट लगा रखे थे अपने आंखों में, वो ज्यादातर चश्मे लगाती है आपने देखा ही है, तो आज उसने कॉन्टेक्ट लगा रखे थे उसकी वजह से। जब भी कोई इंडियन ड्रेस वगैरह कुछ भी ऐसे ड्रेसअप करती है तो लगा लेती है, तो वो क्या है ना सुबह सुबह लगा लेते तो रात होते होते उसकी आंखें ना थकी थकी सी हो रही थी, तो मैंने कहा तुम जल्दी जाके पहले से निकालो। सुने सुने तो लगाया था, आज तो मैंने लगाया। तुमने कितने बजे लगाया था कशिश? 1-2 बजे का लगाया था। हाँ 1-2 बजे लगाया और अभी 9:30 के अराउंड हो रहा है। इतने तो आवर्स लगा सकते हैं, 7-8 आवर तो रहता ही है। लेकिन फिर भी ना कशिश तेरी आंखें बहुत थकी थकी सी लग रही थी उसे लगाने के बाद, नींद आ जाती है, इसलिए मैंने उसे उतारने के लिए भेजा। मैंने कहा तुम उतारो कॉन्टेक्ट पहले और अपना आराम से रहो। तो मेरी बच्ची कैसी लग रही थी? बहुत प्यारी लग रही थी आज मेरी गुड़िया। मैंने क्लीन कर लिया अपना फेस। आज तो मौसी ने भर भर के तारीफ करी कशिश की, है ना? कह रही थी मौसी, कह रही थी आज तो कशिश की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। आगे जो इयररिंग्स है ना, मुझे ना किस चीज की डिमांड कराते हैं, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है ना गोल गोल, ये जब भी आप पहनते हो मुझे लगता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड आ गई और मम्मी दोनों कान में पहन के मोती लगा के बैठ गई। मुझे बहुत अच्छे लगता है मेरे टेबल पे कलर, इसमें से लाइट शाइन होती है ना, तो ये ऐसे से बिल्कुल मिरर वर्क की तरह शाइन करता है। और ये पता है इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बाय द वे। और पता है सबसे अच्छी बात मुझे इन इयररिंग्स में क्या लगती है, ये जो नीचे मोती है ना, जब वो ऐसे से आवाज करते हैं ना, वो किसी और को नहीं, लेकिन जो पहनता है
उसको इतने प्यारे लगते हैं ना, कानों में तुम पहन के देखना, बहुत मजा आता है मुझे, इसलिए ये पहनने पसंद है, बहुत मजा आता है कशिश, ठीक ही बहुत है ये दोनों पहन। अरे हाँ, ऐसा होता है जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चों का टॉय होता है जिस खेलने वाला, जिसमें ऐसे झुनझुना आता है, आवाज निकलती है, बट वो आपके कान में स्पेसिफिकली वो झुनझुन आवाज निकल रही है, इसीलिए ये मेरी फेवरेट इयररिंग है। बहुत सेटिस्फाइंग टाइप ना। हाँ, बहुत सेटिस्फाइंग है। किसको लगाया? मेरे कान पे ऐसे लगा दिया, लग गया। ओके गाइस, तो यही था आज का टीच का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। फिर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको मम्मी की इस आउटफिट की सारी फोटोज देखनी है और मम्मी ने जो रील्स बनाई है, मतलब जो आजकल इंस्टाग्राम का फीचर चल रहा है रील्स एंड वीडियोस विद डांस, वो देखनी है तो जरूर जाके इंस्टाग्राम फॉलो करना, क्योंकि मम्मी सारी डांसिंग की वीडियोस और अच्छी क्यूट वीडियोस और फोटोज सब जो भी आपको पसंद है देखना वो सब इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। और कशिश की भी करती हूँ मैं मेरी भी होती है उसमें कुछ कुछ, तो अगर हम दोनों की फोटोग्राफ्स देखनी है yes. आप लोगों को इंडियन मॉम स्टूडियो के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना होगा जिसका आईडी सेम मेरे चैनल का नाम है इंडियन मॉम स्टूडियो, बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय गाइस।